हाय फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल अनसाइड टॉक में। तो दोस्तों, आज हम टॉक करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं मनरेगा पेमेंट को लेकर, कि मनरेगा का पेमेंट जो है बहुत सारे का भाई का बोल रहे हैं कि पैसा अभी तक खाते में नहीं आया। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूँ, सिर्फ एक दिन में जो है पेमेंट जा रहा है, मनरेगा मजदूर का खाते में पैसा वन डे में जा रहा है। आप अच्छी तरह से आपका एफटीओ को चेक करें और देखें कि आपका पैसा खाते में जा रहा है या नहीं। तो गाइस, जैसे कि आपको हम बताएं कि एक दिन में पैसा जा रहा है, एक एफटीओ यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको। देखिए फ्रेंड्स, 22/7/2022 को जो एफटीओ किया गया है, और जो है कि प्रोसेस्ड अकाउंट 23/7/2022 का पैसा पहुँच गया है। तो कितना दिन का डिफरेंस हो फ्रेंड्स, पेमेंट 22 तारीख को किया जाता है और 23 तारीख को जो है पैसा उसके खाते में पहुंचता है। तो आप सब, अगर आप इसका ज़्यादा जानकारी देखना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और देखें कि किस तरह से मनरेगा मजदूर का भुगतान हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पर लिखना है नरेगा। नरेगा लिखने के बाद आपको सर्च करना है, जैसे कि स्क्रीन पे हम लिखने हैं, यहाँ क्लिक करेंगे। नरेगा लिखने के बाद आपको कुछ सामने जो है इस तरह से पेज ओपन होगा। इस तरह पेज ओपन होने के बाद आपको क्लिक करना है क्विक एक्सेस रिपोर्ट, क्योंकि हम जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि समय कम लगे और आप लोग को ज़्यादा जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको दिख रहा है, आपको क्लिक करना स्टेट। तो फ्रेंड्स, हमने स्टेट में क्लिक किया, उसका फ्रेंड्स हम झारखंड राज्य में क्लिक करते हैं। और आप भी कोई दूसरा राज्य से बिलोंग करते हैं, तो फ्रेंड्स इसी ट्रिक से, इसी बेसिक के माध्यम से आप जो है, आप अलग अलग राज्य का, जिस राज्य से आप लोग हैं उस राज्य में क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपको कुछ सर्वर इशू बताया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसे क्लिक करेंगे, उसके बाद फ्रेंड आपको क्लिक करना है, हमने क्लिक किया एक गोड्डा डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में क्लिक करें करें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको थंबनेल में देख के पता चल गया होगा कि एक दिन में मनरेगा मजदूर का पैसा खाते में आ रहा है, जल्द से देखें फ्रेंड्स। तो फटाफट उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्लिक करना है एफटीओ स्टेटस रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। एफटीओ स्टेटस रिपोर्ट में क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरे जो ब्लॉक का एफटीओ नजर आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स सबसे ऊपर में देखिए, यहाँ पर बसंत राय एक ब्लॉक है, वहाँ पर उसके बाद एक एफटीओ में हम क्लिक करते हैं। वह एफटीओ में क्लिक करने के बाद तो फ्रेंड्स एफटीओ में ही आपको चेक करना है, एफटीओ फटाफट चेक करेंगे। जितने एफटीओ चेक करेंगे उतना जल्दी जो है खाते में पैसा पहुंच रहा है। एफटीओ देखना कि एफटीओ कब किया गया है, आपको चेक करते रहना है एफटीओ के। तो फ्रेंड्स एक एफटीओ यहाँ पर देखिए 22/7 को एफटीओ किया गया है। इससे पहले आपको हम बता चुके हैं कि 22/7 को एफटीओ किया जाता है और 23 तारीख को जो है खाते में पैसा पहुंचता है। तो आपके सामने यहाँ पर है फ्रेंड्स, देखिए हम अपने स्तर से, अपने तरफ से कुछ बता नहीं रहे, जो सरकार पैसा आपको भेजती है आपको खाते में जाता है, ये चीज़ आपको हम बताने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 22/7 को एफटीओ किया गया है, और जो है यहाँ पर प्रोसेस डेट जो है बैंक खाते में जाने का डेट जो है 23/7/2022 को। अगर आप गोड्डा जिले से बिलोंग करते हैं, तो फ्रेंड्स गुड्डू यादव नाम का एक व्यक्ति है, इसका आप जाके खाते में चेक कर सकते हैं, आपका जो पैसा खाते में पहुंच गया है, सिर्फ एक दिन में पैसा पहुंच रहा है। तो गाइस, ये कुछ बातें था जो एक दिन में मनरेगा मजदूर खाते में पैसा क्रेडिट किया जा रहा है। तो आप भी इस तरह से चेक करें और देखें और जानकारी लें। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करें, ताकि हम आपको इस तरह से वीडियो बनाते रहें और आपको बताते रहें, ताकि आप जो है मनरेगा अंतर्गत आपको कोई चीज़ का कन्फ्यूज ना रहे कि मेरा डिमांड हुआ है या नहीं, एफटीओ किया गया है या नहीं, और बहुत सारा जो रिलेटेड वर्क होता है इस चीज़ के बारे में आपको हम जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए जानकारी के साथ।